आप देख रहे हैं इंडिया टॉप न्यूज, सच की खबरें सबसे पहले। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज हरदोई। बेनीगंज पुलिस ने 15,000 के इनामी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। हरदोई कोतवाली बेनीगंज पुलिस ने 15,000 के इनामी वांछित अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताते चले कि काफी दिनों से इस आरोपी की तलाश की जा रही थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देते हुए जल्द ही गिरफ्तारी कर जाने की बात कही थी, जिसके चलते बेनीगंज पुलिस ने काफिल पुत्र मोहम्मद इदरीस निवासी नई बस्ती कस्बा थाना बेनीगंज को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से एक 315 बोर तमंचा, दो 315 बोर कारतूस बरामद हुए। इस बात की जानकारी एडिशनल एसपी ने दी। उन्होंने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया। ये क्या मामला है, क्या खुलासा हो रहा है? गैंगस्टर एक्ट का एक अभियोग पंजीकृत था, जिसकी विवेचना इंस्पेक्टर बेनीगंज कर रहे थे। उसमें मोहम्मद काफिल या कफील, उर्फ कफील, ये वांछित थे और इनके ऊपर 15,000 रुपए का पुरस्कार घोषित था। थाना पुलिस द्वारा इनको इनकी गिरफ्तारी की गई है। कैसे गिरफ्तारी हुई, क्या इन्होंने किया था? इनके ऊपर पहले से ही 5-6 केसेज हैं, उसी आधार पर इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा था और ये फरार चल रहे हैं। गिरफ्तारी कैसे की पुलिस ने, किस तरह से पकड़ा? गिरफ्तारी जैसे गिरफ्तारी करती है पुलिस।